आज विधानसभा की प्रक्रिया नियम 50 के तहत मैंने जो सरकार के द्वारा उपभोक्ताओं पे फ्यूल चार्ज लगाया गया उसका मुद्दा उठाया कि आज पूरे प्रदेश की जनता त्राहिमान त्राहिमान कर रही है। जब भारतीय जनता पार्टी की 11 सीटें लोकसभा चुनाव की क्या हार गए, पूरे प्रदेश की जनता को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है और इस समय सत्ता पक्ष का एक भी विधायक ये बोलने के लिए तैयार नहीं है कि पूरे प्रदेश के में जो बिजली का संकट पैदा हुआ है उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आज जब ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें 15-15 घंटों की बिजली कटौती की जा रही है, रख रखाव के नाम पर बिजली कटौती की जा रही है और एक रटा रटाया शब्द तैयार रखते हैं कि एलडी कट के माध्यम से बिजली नहीं दी जा रही। आज इस डिपार्टमेंट के पास न तो घरेलू कनेक्शन करने के लिए मीटर है, न ट्रांसफार्मर बदलने की व्यवस्था है, न पोल है, न तार है। हर तरह से बिजली विभाग की व्यवस्था चरमराई जा चुकी है, किसी को भी आज बिजली उपलब्ध नहीं हो रही। और दूसरी तरफ इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने जो फ्यूल चार्ज हटाने का काम किया था, इस बिजली के माध्यम से करंट लगाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जो पुनः फ्यूल चार्ज लगाने का काम किया है, जिससे पूरे देश के 15 लाख से ज्यादा उपभोक्ता उससे प्रभावित हो गए, जिसकी भी हमने निंदा की है। और हम सरकार से जो आज अध्यक्ष मोदी का धन्यवाद हुआ कि उन्होंने जो व्यवस्था दी कि एक दिन के लिए बिजली के ऊपर चर्चा करवाई जाएगी, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा चेहरा प्रदेश की जनता के सामने होगा।